नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अरविंद राय आप लोगों का गेटमिंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन ऑन गेटमिंटर यूट्यूब चैनल। देर इज अ फेमस प्रोवर्ब, दोज हु स्वेट मोर इन पीस ब्लीड लेस इन वॉर। दोस्तों, वो लोग जो शांति काल में पसीना बहाते हैं, युद्ध में अक्सर उनका खून कम बहता है। आज हम बात करेंगे शांति काल में पसीना बहाने की, यानी कि आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज की। वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ टेस्ट सीरीज इन गेट प्रिपरेशन। तो मिलते हैं इस प्रोमो के बाद। मुझे याद है, ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए। वेलकम बैक, स्वागत है आप लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टेस्ट सीरीज एंड गेट प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों कि टेस्ट सीरीज का क्या रोल है गेट प्रिपरेशन में। तो हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट सीरीज के क्या एडवांटेज हैं, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या टेस्ट सीरीज का कोई डिसएडवांटेज भी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे को टेस्ट सीरीज के बारे में पता होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, दैट इज टेस्ट सीरीज इज नॉट अ रैंक प्रिडिक्टर। दोस्तों, टेस्ट सीरीज जो है वो एक रैंक प्रिडिक्टर नहीं है। तो ये चीज मुझे सबसे पहले ध्यान में रखनी है। हम लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो गलती ये होती है कि टेस्ट सीरीज को हम रैंक प्रिडिक्टर की तरह यूज करते हैं। रैंक प्रिडिक्टर की तरह यूज करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर, मेरा तो टेस्ट सीरीज में रैंक 1 आ रहा है, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा है, एंड दे स्टार्ट बिलीविंग कि एक्चुअल एग्जाम में भी वो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आने वाले हैं। तो ये जो फीलिंग है ये उनको ओवर कॉन्फिडेंस देती है और वो जो अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वहां तक पहुंच नहीं पाते। दूसरी तरीके की प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा तो टेस्ट सीरीज में नंबर ही नहीं आता, और वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, सर मेरी रैंक तो बहुत पीछे आ रही है, मेरी रैंक तो बहुत पीछे आ रही है। दोस्तों, ये दोनों चीजें मेरे को अवॉइड करनी है। अगर आपकी टेस्ट सीरीज में रैंक 1 आ रही है, इट डज नॉट मीन कि आप गेट में भी बहुत अच्छा करेंगे। जब आप ये मिसकॉन्सेप्शन पालने लग जाते हैं कि नहीं यार मैं तो टेस्ट सीरीज में रैंक 1 लेकर आ रहा हूँ, इसका मतलब मैं गेट में कम से कम रैंक 1 नहीं तो अंडर 100 भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये मेरी अगर टेस्ट सीरीज में रैंक 1 है तो गेट में भी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी। अगर आपकी टेस्ट सीरीज में रैंक 1 आ रही है लेकिन क्या आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं? अगर आपके 100 मार्क्स नहीं आ रहे तो आप देखिए कि कैसे आप अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव कि आप ये देखकर खुश हो कि मेरी रैंक 1 आ गई है, नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर मेरी रैंक 1 आई है या लास्ट आई है, मुझे मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब सिर्फ ये होना चाहिए कि आई गॉट 80 मार्क्स, क्या मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ, क्या मैं एक नंबर और बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से 80 से 81 कर सकता हूँ। बच्चे, जिस दिन आपने 80 से 81 नंबर किए, आपकी रैंक जो है वो 100 रैंक गेट में आगे बढ़ जाने वाली है, राइट? दूसरी चीज, डिसअपॉइंटेड नहीं होने का है यार। अगर मेरे को गेट में मेरी रैंक लास्ट आई है, सपोज मेरे नंबर आए हैं 15,
मेरे पास अपॉर्चुनिटी बाकी लोगों से ज्यादा है, मैं 15 को बढ़ाकर 100 तक ले जा सकता हूँ, राइट? तो मेरे नंबर कम आए तो उससे डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। मेरा 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये कहता है कि जो लोग टेस्ट सीरीज को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो डेफिनेटली जाकर गेट में रैंक को इनहेंस करते हैं, काफी अच्छा रैंक लेकर आते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है दोस्तों जो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो गेट के एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे कोलैप्स हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि सर मेरी तो किस्मत अच्छी नहीं थी। नहीं भाई, आपकी किस्मत पे कोई बुराई नहीं थी, आपकी तैयारी में गड़बड़ी थी। आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया लेकिन आपने टेस्ट सीरीज का सही इस्तेमाल नहीं किया, या तो आपने टेस्ट सीरीज दी नहीं और दी तो उसको सही तरीके से जो उसका यूज है वो आपने किया नहीं। दोस्तों आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करूंगा, टेस्ट सीरीज इज नॉट अ रैंक प्रिडिक्टर। टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों वो रैंक प्रिडिक्टर नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी टेस्ट सीरीज में रैंक 1 आ रही है तो मैं गेट में ऑल इंडिया रैंक 100 ले आऊंगा, या मेरे को ये नहीं सोचना कि अगर मैं टेस्ट सीरीज में परफॉर्म मेरी रैंक सबसे नीचे आ रही है तो इसका मतलब मैं गेट में भी सबसे नीचे आऊंगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हमको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मेरे को अभी गेट में टेस्ट सीरीज में 80 नंबर मिले हैं तो वो मेरे को बढ़ा के 81 मार्क्स करने, और सेकेंडली अगर मेरे नंबर खराब होते हैं, अगर मेरे को 10 नंबर मिले हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अगले टेस्ट में वो 10 का मेरे को 15 करना है। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज मेरी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए है। ये रैंक प्रिडिक्टर की तरह अगर आप इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे डूबेंगे, या फिर आप लो कॉन्फिडेंस में डूबेंगे। तो ये वार्निंग को ध्यान में रखो कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ एडवांटेज एडवांटेज ही है। सिमिलरली टेस्ट सीरीज का भी डिसएडवांटेज है कि आप लोग टेस्ट सीरीज को एज अ रैंक प्रिडिक्टर लेते हो, और जब आप इसको एज अ रैंक प्रिडिक्टर लेते हो तो या तो क्या होता है, या तो ये होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो या आप लो कॉन्फिडेंस में, और दोनों ही चीजें किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अच्छी नहीं है, ये नुकसानदायक है। चलिए, तो मैंने ये तो आपको बता दिया कि टेस्ट सीरीज को मेरे को एज अ रैंक प्रिडिक्टर नहीं लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर हाउ टू अपियर इन टेस्ट सीरीज। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं टेस्ट सीरीज के, क्या क्या बेनिफिट मेरे को टेस्ट सीरीज से मिलने वाला है। अभी मैंने देखा कि मेरे को टेस्ट सीरीज को एज अ रैंक प्रिडिक्टर तो यूज नहीं करना है, वो मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि मेरा नुकसान हो जाएगा यदि मैं टेस्ट सीरीज से अपनी रैंक प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूं। अब बात करते हैं कि एक्चुअली टेस्ट सीरीज में बैठने से मेरे को कुछ फायदा मिल रहा है क्या, और फायदे मिल रहे हैं तो वो फायदे क्या हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो मेरे को समझ में आना चाहिए वो ये कि टेस्ट सीरीज जो है वो आपको हेल्प करती है आपके वीक एरियाज को फाइंड आउट करने में। अब वीक एरियाज को फाइंड आउट करने में इसका क्या मतलब हुआ, आप जब टेस्ट सीरीज देते हो तो यू कम टू नो कि यार मैं एप्टीट्यूड के तो सारे क्वेश्चन बना ले रहा हूँ लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन तो बना ले रहा हूँ लेकिन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो मेरे को समझ में आता है कि यार प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरा वीक एरिया है। मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन तो बना ले रहा हूँ लेकिन मैं मॉस के क्वेश्चन नहीं बना पा रहा, तो आई कम टू नो कि मॉस जो है वो मेरा वीक एरिया है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप टेस्ट सीरीज में बैठते हो तो आपके जो वीक एरियाज हैं जहाँ पे आपको और इफर्ट करने की ज़रूरत है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज देते हो तो आने के बाद पेपर को उठाकर देखिए और देखिए कि कौन से टॉपिक में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उस एरिया को अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। दूसरा, फाइंड द फ्लॉज इन द कॉन्सेप्ट। अब ये फाइंड द फ्लॉज इन द कॉन्सेप्ट क्या होता है, होता ये है कि कई बार मैं कुछ टॉपिक पढ़ता हूँ और मैं एकदम 100% कॉन्फिडेंट होता हूँ कि यार ये टॉपिक मैं बहुत अच्छे से पढ़ लिया हूँ, लेकिन जब मैं प्रॉब्लम बनाने जाता हूँ तो प्रॉब्लम या तो मेरे से बनती नहीं है या मैं उसको गलत सॉल्व करता हूँ। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने जब पढ़ा होता है तो कहीं ना कहीं मैं कुछ कॉन्सेप्ट को समझने में गलती कर रहा होता हूँ जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा होता हूँ दोस्तों। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जब मैं टेस्ट सीरीज में बैठूंगा और मैं देखता हूँ कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जब आ रहे हैं एग्जाम में तो मैं उसको बना नहीं पा रहा, यू कम टू नो कि भैया ये कॉन्सेप्ट मेरे को फिर से पढ़ने की जरूरत है, इस कॉन्सेप्ट को मेरे को रिवाइज करने की जरूरत है। तो सेकेंड एडवांटेज जो मेरे को मिल रहा है वो मैं अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकता हूँ। बच्चों गेट के एग्जाम में एक कर्स है, अभिशाप है, सिली मिस्टेक। बहुत तकलीफ में जाओगे आप जब आपको पता चलेगा कि यार ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें रेडियस की जगह मैंने डायमीटर पुट कर दिया, यानी कि मैंने एक ऐसी सिली मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से मेरे 2 नंबर कम हो गए। बच्चे जानते हो वो 2 नंबर आपका क्या करेंगे,
वो दो नंबर शायद आपकी रैंक को 500 या 1000 रैंक पीछे कर दें। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को सिली मिस्टेक एग्जाम में नहीं करनी है, मेरे को सिली मिस्टेक एग्जाम में नहीं करनी है। अब मैं अपने रूम में बैठ जाऊं और मैं ये बोलता रहूं कि मेरे को सिली मिस्टेक एग्जाम में नहीं करनी है, इसका माला जपते रहूं, तो काम तो नहीं होगा। सिली मिस्टेक अगर मेरे को अवॉइड करनी है तो क्या करूं? जब मैं टेस्ट सीरीज में बैठता हूं तो आके मेरे को पेपर को इवैल्यूएट करना है, और जब मैं देखता हूं पेपर को इवैल्यूएट करता हूं और जब मैं ये देखता हूं कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया क्योंकि मैंने डायमीटर की जगह रेडियस रख दिया था, बेटा वो बात आपके दिमाग में हिट हो जाती है और फिर वो गलती आप दोबारा नहीं करते हो। आपको तकलीफ होती है कि यार ये इस गलती के कारण मेरे दो नंबर कट गए, और जब आपको ये तकलीफ होती है ना बच्चे कि ये गलती के कारण मेरे दो नंबर कट गए, तो नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को नहीं करते हो। तो टेस्ट सीरीज जो है वो आपके सिली मिस्टेक को ओवरकम करने का सबसे अच्छा टूल है, या अगर मैं ये कहूं कि ये इकलौता टूल है जो आपकी सिली मिस्टेक्स को दूर कर सकता है, तो गलत नहीं होगा। चलिए इसके बाद सब जानते हैं कि इट हेल्प्स टू इंप्रूव द स्पीड एंड एक्यूरेसी, इट इंप्रूव्स द स्पीड एंड एक्यूरेसी। इंप्रूव्ड स्पीड, मेरे को क्वेश्चन पेपर को सही टाइम पे कंप्लीट करना है। कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन तो मेरे से बन रहे होते हैं पर मेरे पास टाइम नहीं होता, यानी कि मेरी स्पीड जो है वो कम होती है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं पेपर को 5 मिनट 10 मिनट पहले ही खत्म कर दिया, बट द एक्यूरेसी वॉज नॉट देयर, बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स मैंने कर दी। दोस्तों इन दोनों के बीच में मेरे को कोऑर्डिनेशन बनाना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? वी हैव टू मेक अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्पीड एंड द एक्यूरेसी। अगर मैं स्पीड मेरी कम है और मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा तो मेरा नुकसान हो रहा है, और मेरी स्पीड तो अच्छी है लेकिन मेरी एक्यूरेसी बहुत खराब हो जा रही है तो भी मेरा नुकसान हो रहा है। तो बच्चे मेरे को यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन करना है स्पीड का और एक्यूरेसी का। 3 घंटे का टाइम मेरे को है, 3 घंटे के टाइम को मेरे को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना है ताकि मेरी स्पीड भी इम्प्रूव हो एज वेल एज मेरी एक्यूरेसी जो है वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए। मैं स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए एक्यूरेसी को डाउन नहीं कर सकता, और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए स्पीड को कम नहीं कर सकता। इसका मतलब स्पीड और एक्यूरेसी मेरे को ऑप्टिमम होनी चाहिए, और ये ऑप्टिमम स्पीड और एक्यूरेसी को ऑप्टेन करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, और टेस्ट सीरीज से आप सीख सकते हो कि कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना है स्पीड और एक्यूरेसी को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट पॉइंट, मेंटल प्रिपेयरनेस फॉर एक्चुअल एग्जाम। बच्चे आपने बहुत तैयारी करी और बहुत अच्छा आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया। आप जब घर में बैठ के पेपर सॉल्व करते हो, जब आप घर में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हो। लेकिन बच्चों ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ में होता है कि एक बंदा जो मेरी क्लास में बैठता है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जब वो एग्जाम देने जाता है तो वो कोलैप्स हो जाता है। जब वो एग्जाम देने जाता है तो वो कोलैप्स हो जाता है। क्यों होता है ये कोलैप्स? क्योंकि वो उस एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। बच्चे अगर आपने जो मेहनत करी है उसको आप मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इट इज इंपॉर्टेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटली एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि प्रिपरेशन अच्छी होती है लेकिन एग्जाम से पहले 2 रात उनको नींद नहीं आती। तो ये जो आपका एग्जाम का फोबिया है, एग्जाम का डर है, ये आपकी पूरे साल भर की मेहनत को खत्म कर देगा बच्चों। ये जो एग्जाम का फोबिया है ये आपकी पूरी इफर्ट, पूरी मेहनत जो आपने साल भर 2 साल 3 साल करी है उसको नील कर देता है। तो ये जो एग्जाम का फियर है, एग्जाम का फोबिया है, बेटा इसको ओवरकम करने के लिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट में अपियर होना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट में अपियर होना है। चलिए तो दीज आर द एडवांटेजेस, और बच्चों अगर इन सही तरीके से आप टेस्ट सीरीज देते हो तो ये सारे एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं, और ये एडवांटेज का इफेक्ट ये होगा कि आपका जो आउटपुट आना चाहिए, जो मार्क्स आने चाहिए, उसमें एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आपको मिलने जा रहा है जब आप सही तरीके से टेस्ट सीरीज को देते हो। चलिए वी आर नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। आप मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं कि जब हम कोई टेस्ट सीरीज परचेज करने जा रहे हैं तो क्या चीजें मेरे को देखनी है जब मैं किसी टेस्ट सीरीज को परचेज करने जा रहा हूँ। व्हाट आर द थिंग्स आई हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आई एम गोइंग टू बाय अ टेस्ट सीरीज। बाबू सबसे इंपॉर्टेंट
और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप यदि गेट की टेस्ट सीरीज लेने जा रहे हो तो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस हैं बाबू वो गेट स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए। देर आर अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज जो टेस्ट सीरीज को टफ करने के नाम पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे देते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे देते हैं, जबकि गेट के एग्जाम में अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं जिनको एक से दो लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों गेट का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो है वो विद इन 3 मिनट्स बन जाना चाहिए। 3 मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाने में 5 मिनट का टाइम लगना चाहिए, और 5 मिनट में जो क्वेश्चन बन जाए ऐसे क्वेश्चन जो है वो मुश्किल से 5 मिनट जिन क्वेश्चन को बनाने में लगे ऐसे क्वेश्चन गेट के एग्जाम में मुश्किल से 4 या 5 से ज्यादा नहीं होते। राइट, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके 3 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व होने चाहिए। अगर 3 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप क्वेश्चन को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन ले दिए, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन टेस्ट सीरीज, जब आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज देखते हो तो उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एकदम टिपिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जिसको वो फॉर्मूला पता है वो सॉल्व कर लेगा, जिसको वो पता नहीं है वो बेचारा मेहनत करते रह जाएगा पर वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में नहीं आते हैं। गेट में वो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो जिसको पता है वही सॉल्व कर पाए। तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज में हम देखते हैं कि कोई टेस्ट सीरीज को टफ करने के नाम पे दे आर आस्किंग द पिक्यूलियर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या इंपेरिकल फॉर्मूले पे वो सवाल पूछ लेते हैं। वैसे इंपेरिकल फॉर्मूले पे कोई सवाल गेट में आ नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। गेट जो है वो इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब कुछ का मतलब होता है कि कुछ फॉर्मूले जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से फाइंड आउट किए जाते हैं। राइट, तो इंपेरिकल फॉर्मूले पे जिसको मेरे को याद रखना पड़ेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला समझ लो वो चीज जो मेरे को याद करना ही पड़ेगा, जिसको मैं डिराइव नहीं कर सकता, ऐसा आप समझ लो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन गेट एग्जाम में नहीं आ सकता जो इंपेरिकल फॉर्मूले पे हो। गेट पे जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे होगा जिसको आप डिराइव करके सॉल्व कर सकते हो। राइट, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज देखते हो तो ऐसे सवाल आ जाते हैं जो कि इंपेरिकल फॉर्मूले पे होते हैं, और यदि वो फॉर्मूला मेरे को पता है तब तो मेरे लिए वो सवाल 1 मिनट का भी नहीं है, और यदि वो फॉर्मूला मेरे को नहीं पता है तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसमें होता यह है कि जो उस पर्टिकुलर कोचिंग के बच्चे हैं, उनको तो मास्टर साहब ने वो फॉर्मूला लिखाया हुआ है, वो भट्ट से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चा उस कोचिंग का नहीं पढ़ा है उसके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है, वो बना नहीं पाता और उसके टेस्ट में नंबर कम हो जाते हैं, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। लेकिन इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि वो सवाल जो टेस्ट सीरीज में पूछा जा रहा है जो कि इंपेरिकल फॉर्मूले पे है, वैसा सवाल तो गेट में पूछा ही नहीं जाएगा, तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज लो आपको इंश्योर करना चाहिए कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो गेट स्टैंडर्ड के ही होने चाहिए। यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम है वो 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट होना चाहिए। इससे ऊपर का टाइम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने को लग रहा है तो इसका मतलब उस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड गेट स्टैंडर्ड का नहीं है। गेट स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो उसको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जब हम बात कर रहे थे पिछले टॉपिक में स्पीड और एक्यूरेसी की, तो बेटा ये स्पीड और एक्यूरेसी आपकी अपने आप बढ़ती है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करने में आज 10 मिनट लगा, जो गेट का सवाल है, यू विल कम टू नो कि यार ये 10 मिनट का सवाल था ही नहीं, ये तो 2 मिनट का भी सवाल नहीं था। वो 10 मिनट क्यों लगे? क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं थे। तो आप ये ध्यान में रखिए कि गेट का कोई भी सवाल है वो सॉल्व करने से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम लगना चाहिए। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज लो, पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन जो है वो गेट स्टैंडर्ड के होने चाहिए। दूसरा, जो आप टेस्ट सीरीज लो उसमें 4 टाइप के टेस्ट होने चाहिए बच्चों। उसमें 4 टाइप के टेस्ट होने चाहिए। एक टॉपिक वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में आपने लीनियर एलजेब्रा पढ़ लिया। अभी लीनियर अलजेब्रा के आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से हुए हैं कि नहीं हुए, तो आप क्या करना चाहिए? आपको मिलना चाहिए एक लीनियर अलजेब्रा का टेस्ट जिसमें सिर्फ लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन हो। जब आप उस टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हो, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, तो आपको देन यू कैन गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ भैया अभी तो ये लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक जो है वो मेरा क्लियर हो गया। इसके बाद आपने लीनियर अलजेब्रा करने के बाद आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड यू कम टू नो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे सवाल मेरे से बन जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन
अब आप बात आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, अगर सारे क्वेश्चन मेरे को एक साथ दे दिए जाएं, सारे मैथ्स के क्वेश्चन मेरे को एक साथ दे दिए जाएं, तो क्या मेरा से बन रहा है क्या क्वेश्चन? तो वो चेक करने के लिए मेरे पास में होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। बात समझ में आ रही है? टॉपिक वाइज टेस्ट जिसमें सिर्फ लीनियर अलजेब्रा होगा, जिसमें सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जिसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी होगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जिसमें मैथ्स के सारे टॉपिक इंक्लूड होंगे। और दोस्तों इसके बाद देयर हैज टू बी क्यूमुलेटिव टेस्ट। क्यूमुलेटिव टेस्ट का मतलब है 2 और 3 सब्जेक्ट टेस्ट, जिसमें सारे सब्जेक्ट गेट के ना हो, 2 या 3 सब्जेक्ट हो। इसका क्या कारण है? मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं तो बेटा मैथ्स के क्वेश्चन में बना लिया, मैं एफएम पढ़ रहा हूं तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन बना ले रहा हूं, लेकिन जब मैं एफएम पढ़ रहा हूं तो उस टाइम पे क्या मेरे से मैथ्स के पेपर क्वेश्चन बन रहे हैं क्या? तो ऐसा होना चाहिए कि जब मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, मैथ्स मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मैथ्स और एफएम का एक क्यूमुलेटिव टेस्ट होना चाहिए। तो क्यूमुलेटिव टेस्ट जिसमें 2 से 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ताकि सबसे पहले आप टॉपिक वाइज कवर करोगे, फिर आप सब्जेक्ट वाइज कवर करोगे, और फिर आप 2-3 सब्जेक्ट को मिलाकर सिलेबस को कवर करोगे। एंड द लास्ट यू हैव टू गेट द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब यह है कि ऑल सब्जेक्ट इसमें कवर होने चाहिए, ऑल सब्जेक्ट इसमें कवर होने चाहिए। तो बेटा ये 4 टाइप के टेस्ट आपको मिलने चाहिए अगर आप टेस्ट सीरीज कोई अच्छी लेना चाहते हैं तो। और ये टेस्ट सीरीज में पहले आप टॉपिक वाइज सॉल्व करिए, फिर सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करिए, फिर क्यूमुलेटिव टेस्ट जाइए, एंड लास्ट यू कम टू द मॉक टेस्ट। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट का जो पोर्शन है वो पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द गेट मेंटर टेस्ट सीरीज। तो क्या क्या फीचर्स हैं गेट मेंटर टेस्ट सीरीज के, उसको हम बड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि कोई भी टेस्ट सीरीज जो आप सेलेक्ट करते हैं उनमें ये 5 फीचर तो मस्ट है। जो क्वेश्चंस हैं वो गेट स्टैंडर्ड के होने चाहिए, टॉपिक वाइज क्विज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट और मॉक टेस्ट आपको मिलना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ फीचर ऐसे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ गेट मेंटर की टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। डिस्कशन ऑफ मॉक टेस्ट, जितने भी मॉक टेस्ट होंगे इसका लाइव डिस्कशन होगा। जब भी मॉक टेस्ट एंड होगा उसके बाद उस टेस्ट का डिस्कशन होगा, जिसमें सारे क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट के हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आपको कोई डाउट है वो डाउट आप मेरे से वहां पे पूछ पाएंगे। सेकेंड, देर आर डाउट क्लियरिंग सेशंस। डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे हर 15 दिन में। इन एवरी 15 डेज देर वुड बी द डाउट क्लियरिंग सेशंस। अभी ये डाउट क्लियरिंग सेशन में क्या होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन में क्या होगा, आप कोई भी डाउट, चाहे वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो, या आपका कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट हो, या कोई स्टैंडर्ड बुक का कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं बना पा रहे हैं, वहां आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो ये सारे डाउट आप डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हैं। तो डाउट क्लियरिंग सेशन में कोई लिमिटेशन नहीं है कि यू नीड टू आस्क ओनली द क्वेश्चन रिलेटेड टू द मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज, आप उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। द थर्ड थिंग इज द टॉपिक वाइज सॉल्यूशन ऑफ गेट क्वेश्चंस। यू विल फाइंड गेट पेपर्स एवरीवेयर ऑन द ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको सारे गेट के पेपर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको वो पेपर टॉपिक वाइज नहीं मिलते, क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलते। तो वी विल प्रोवाइड यू द टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। टॉपिक वाइज क्वेश्चन का मतलब यह है कि सपोज फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक है फ्लूइड स्टैटिक्स, तो फ्लूइड स्टैटिक्स के जितने भी क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं वो आपको एक जगह पे एक साथ में मिल जाएंगे। तो जब आप फ्लूइड स्टैटिक या कोई टॉपिक कवर करते हो तो वो सारे गेट के क्वेश्चन उस टॉपिक के आप सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। दोस्तों गेट मेंटर में हमारा जो स्टूडेंट के साथ रिलेशन है वो गेट का रिजल्ट आने पर एंड नहीं होता। यहाँ पे जो रिलेशन होता है दैट इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशन, इन द सेंस कि जो बच्चे गेट मेंटर से जुड़ते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग जुड़े रहते हैं। तो सिमिलरली जब आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इट मींस ये नहीं है कि हमने आपकी फोटो चिपकाई अपनी वेबसाइट पे और उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। गेट का रिजल्ट आने के बाद गेट की रैंक के हिसाब से आगे के लिए फ्यूचर गाइडेंस आपको मिलता है। आपकी रैंक के हिसाब से और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कौन से PSU में अप्लाई करना चाहिए, आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, IIT में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, IIT में सेलेक्ट करने के बाद आपके फ्यूचर स्कोप क्या होंगे, दीज ऑल थिंग्स वी डिस्कस विद द स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें हम स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो कि आई डोंट थिंक कि किसी और कोचिंग में संभव हो पाता होगा। सो जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज में सारी चीज़ें होनी चाहिए वो तो हमारी टेस्ट सीरीज में कवर होता ही है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ गेट मेंटर टेस्ट सीरीज पर मिलेंगे। चलिए जी, तो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन।
कॉस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज इज 4,500, बट अभी आप ये टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 650 रुपीज़, 650 रुपए के लिए अभी आप इसको एनरोल कर पाएंगे। एनरोलमेंट का लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ये नंबर दिए हुए हैं इस नंबर पे आप कॉल करके डिटेल्स जो है वो ऑप्टेन कर सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं फिर आपसे टेस्ट सीरीज में।